Everybody say hi to Po. He's looking for some dry fruits right now. आज इसके लिए बहुत बड़ा दिन है because he's gonna be shift. इसको हम एक दो दिन के लिए फीमेल के पास रखने वाले हैं. You know the female जो रही इसके पास है. ये उसके पास रहेगा दो तीन दिन. So that he can mate. Then we are gonna have a lot of hamsters. और अब ये इधर आ गया है. He's a darling man. He's a darling. When it comes about the snakes in India, तो लोगों को लगता है कि snakes को रखना बहुत बड़ी एक बुरी बात है. वो बहुत बुरा समझते हैं. But it's not about that. Snakes can be kept as pets बहुत अच्छे से. अगर आपको उनकी ज़रूरतें पता हैं तो उनको बहुत अच्छे से रखा जा सकता है. मेरे पास दो snakes हैं. As you can see, I have two snakes. One is African ball python. The other one is American corn snake. I love both of them. पर हाँ, कॉर्न स्नेक को आई लव अ लिटल मोर, क्योंकि कॉर्न स्नेक जो मेरा कॉर्न स्नेक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है. वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स में रहता है. तो व्हेन इट कम्स टू द कॉर्न स्नेक्स इन इंडिया, तो कॉर्न स्नेक को बहुत रेयरली कॉर्न स्नेक्स इंडिया में मिलते हैं. When it comes to pet any snake, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 15,000 है तो सिर्फ आपने 15,000 का snake उठा कर ले आए. It is not about that. आपको उसका enclosure बनाना होगा properly, उसका temperature control रखना होगा. और मेरे केस में I can't feed live rats क्योंकि I kind of love rats. मैं ज़िंदा नहीं खिला सकता, तो इस वजह से I have to buy the frozen ones. और जो frozen होते हैं they are very expensive. I'm telling this for my, you know, फॉर माई इंटेग्रिटी. आई वुड से मैं जिंदा चूहे नहीं खिला सकता बिकॉज आई कॉन्ट सी देम डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो इसलिए फ्रोजन दे आर ऑलरेडी डेड एंड दे हैव बीन डेड विद सम एथिकल वेज. तो इस वजह से यू नो फ्रोजन रैट्स आर द बिगेस्ट कंसर्न. अब बहुत मुश्किल से आपको सेलर मिलेगा, तो यू नो यू हैव टू जस्ट फाइंड देम. You can find the ball python very easily in India. एक आपको बेबी बॉल पाइथन मिल सकता है 15,000-16,000 का. मैंने भी इसको 15,000-16,000 अराउंड ही लिया था, इंक्लूडिंग एवरी थिंग, शिपिंग एंड ऑल. बट द मेजर कंसर्न इज़ कि इसके जो पिंकीज का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है कॉर्न स्नेक का. तो यू नो दोनों के अलग अलग खाने आते हैं, दोनों के अलग अलग टाइप ऑफ पिंकीज आते हैं. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रैट्स को ब्रीड करके उनके बच्चे खिला पाऊँ. पर या जैसा कि मैंने बताया कि आई कांट फीड देम लाइव. अब दो ऐसा कहते हैं स्नेक कीपर्स कि अगर आप लाइव दे सके तो वो बेस्ट होता है. पर यू नो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस कि न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स भी देने चाहिए, और बास्किंग कराना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑल दो लोगों को लगता है कि बास्किंग से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम नहीं कराएंगे तो. That
दैट कैन ऑल्सो भी ट्रू. काफ़ी सारे स्नेक कीपर्स बिल्कुल बास्क नहीं कराते अपने पाइथन्स को, पर मैं अपने बॉल पाइथन को भी बास्क कराता हूँ, मैं कॉर्न स्नेक को भी कराता हूँ. दे बोथ आर डूइंग रियली ग्रेट. ऑल दो आई कुडंट स्पेंड सम टाइम क्योंकि बहुत सारे रेस्क्यूज थे, मैं कॉर्न स्नेक के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया है. बट आई एम श्योर आई एम गोना हैंडल दिस वेरी सून एंड वेरी गुड. सो इफ यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ कीपिंग अ स्नेक और समथिंग, सो डोंट ओवर थिंक. और अगर आपको लगता है आप सांप रख सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चूज अ गुड सेलर, एक हेल्दी स्पेसिमेन उठाइए. और आपको लगता है आपके पास ऑलरेडी एक सांप है और आप उसको नहीं पाल पा रहे हैं तो गिव अस अ कॉल, इंस्टाग्राम फौना फाउंडेशन ऑफिशियल, सर्च ऑन दैट. प्लीज़ डोंट रिलीज देम, उनको वाइल्ड में रिलीज मत कीजिए. इट्स नॉट गुड, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द नेटिव वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं ये. तो जस्ट डोंट रिलीज देम अगर आपसे नहीं रखा जा रहा है. Give us a call. So this is it for the video. Thank you so much for watching. If you actually like the video, then please hit the like button. और अगर मुझे बताने के लिए कुछ है तो just tell me in the comment section below. So just take care of your pets, your family and yourself. Also घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. And don't forget to be wild.